सिक्स ईयर के हो आप। यहाँ पे जो सिस्टम है, स्कूल्स है, ये यहाँ पे आपने ज्वाइन क्यों किया, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? पढ़ने के लिए। क्या करना चाहते हैं आप पढ़कर? बड़ा ऑफिसर। नर्वस नहीं होना चाहिए जब एग्जाम ना क्वालिफाई हो तो बार बार उसको तैयारी करते रहे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ, वो नहीं तो कुछ और सही, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्लास कौन सी है आपकी? सेवेंथ। प्राइम नंबर क्या होता है? जो टू से डिविजिबल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिलहाल मौजूद हैं उड़ान एकेडमी गंगो में, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो गार्जियंस बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। हम फिलहाल मौजूद हैं उड़ान एकेडमी में गंगो, और बातचीत करेंगे बच्चों से, जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की जो पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। मेरा नाम जुड़ा सिंह है। आपके पापा जी का क्या नाम है? अंग्रेज सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। तो आपने यहाँ पे जो देखा है, पढ़ाई देखी है यहाँ पे स्कूल्स की, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। क्या क्या सुविधा मिलती है आपको यहाँ पे? यहाँ पे ए बी सी डी जनवरी फरवरी। टीचर जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। जनवरी की स्पेलिंग बताओ। जे ए एन यू ए आर वाई जन। अच्छा। टेबल आते हैं आपको? टेबल कौन सी क्लास है आपकी? फर्स्ट। टेबल कहाँ तक आते हैं आपको? 29 30 तक। आपकी एज कितनी है? एज सिक्स। सिक्स ईयर के हो। तो आप यहाँ पे जो सिस्टम है, स्कूल्स है, ये यहाँ पे आपने ज्वाइन क्यों किया, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? पढ़ने के लिए। क्या करना चाहते हैं आप पढ़कर? बड़ा ऑफिसर। बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो आप बड़े ऑफिसर? अरे क्योंकि बड़ा घर और दो गाड़ी लेनी है। दो गाड़ी लेनी है आपको? अच्छा, आपका सपना है बड़ा घर और दो गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। 14 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
डर तो नहीं लग रहा है? डर लग रहा है आपको? आपको ऑफिसर बनना है ना? तो आप फिलहाल आप मौजूद हैं, देख सकते हैं हम फिलहाल मौजूद हैं उड़ान एकेडमी में, और हमारे सामने जो बच्चा बैठा है ये बच्चा 6 ईयर का यानी 6 साल का बच्चा आपके सामने देख सकते हैं आप हमें इंटरव्यू दे रहा है। जो कैमरे के सामने लोगों को पसीना आ जाता है वही बच्चा 6 साल का, मात्र 6 साल का बच्चा आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो पर्सन है उनका आंसर दे रहा है। 87 देख सकते हैं आप, जितने माता पिता जितने भी ऑडियंस हमको देख रहे हैं ये 6 साल का बच्चा है और इस बच्चे को 29 तक टेबल आते हैं। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है या बड़ी बड़ी प्राइवेट संस्था में पढ़ता है उस बच्चे को 18 तक टेबल याद नहीं है और ये 6 साल का बच्चा 29 तक टेबल जानता है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कितना फोकस है यहाँ पर पढ़ाई पर। एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है इस एकेडमी ने पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख दिया। जो यहाँ के अध्यापक हैं दिन रात प्रयास करते हैं। मैं आपका, मेरा अमोल कुमार। अमोल कुमार जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सलारपुरा। सलारपुरा के रहने वाले हैं आप। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सर शॉपकीपर। शॉपकीपर है। तो आपने ये जो स्कूल्स है ये ज्वाइन क्यों किया है, कारण क्या है? कंगो में तो काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आपने ये ज्वाइन क्यों किया है, कारण क्या है? सर मुझे सर डिफेंस लाइन में जाना है और ये बोर्डिंग स्कूल है, इसलिए मैं आरएमसी में जाना चाहता हूँ। आरएमसी से सर फिर मैं डिफेंस में जाने की तैयारी करूँ। तरीके की यहाँ पे एजुकेशन मिलती है, कितने घंटे आप पढ़ते हैं कुछ बताना? सर सुबह 8 बजे से लेके सर शाम के 4 बजे तक यहाँ पे स्टडी होती है और बाद में हम 7 बजे से बैठ जाते हैं। 7 बजे से हॉस्टल वाले 12 बजे तक पढ़ते हैं और जो डे बोर्डिंग स्टूडेंट नाइट क्लास के लिए आते हैं वो 10 o'clock के लिए पढ़ते हैं। यादव कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश मुरैना। मध्य प्रदेश से आप यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, कारण क्या है? यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है, पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इसलिए।
ना क्वालिफाई हो तो बार बार उसको तैयारी करते रहे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ, वो नहीं तो कुछ और सही कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश है। कहाँ से बिलोंग करते हैं वंश आप? मैं यहीं गंगो से बिलोंग करता हूँ। गंगो से बिलोंग करते हैं। आपने ये स्कूल एकेडमी ज्वाइन की कारण क्या है? कारण था कि सर ये कंपटीशन लेवल की सर पढ़ाई करनी थी सर मेरे को। किस प्रकार का कंपटीशन है आप देखते हैं आज के 2023 में, किस प्रकार का कंपटीशन? सर हर जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया है तभी भी हर सेंटर में 1-1.5 लाख से बच्चा ऊपर आता है और सबका कंपटीशन बस लेवल अप होता है। तो आप 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ के साथ आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं आप इंजीनियर? सर मैंने ये मोटिवेट लिया है सर एक मूवी से सर, आयरन मैन। मेरा नाम सिद्धांत परियार है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से इतनी दूर क्यों आए हैं आप? सर कॉम्पिटेटिव की तैयारी करके कुछ ताकि आगे प्रॉब्लम। कॉम्पिटेटिव किस तरीके का है, किस तरीके का कॉम्पिटेटिव देखते हैं आप 2023 में और 2024 आने वाला है? सर मैंने पहले दिए थे पिछले साल, इस साल नहीं है। पिछले साल मैंने सैनिक स्कूल RMS के दिए थे पेपर। RIMC की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जी। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाती है? सर हॉस्टल फैसिलिटी है, खाना अच्छी मिल रही है, नाइट क्लास हो रही है, टीचर हमारे साथ हैं हमें। गोल क्या है आपका? सर RTO ऑफिसर बनना है। क्यों बनना है आपको RTO? सर मैंने अपने पापा को देखा था, उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। आपके पापा जी ने ये नहीं कहा आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है? उन्होंने सर कहा कि आपको जो करना है उस वो बन जाओ, आपके ऊपर है, बाकी मेरा सपोर्ट रहेगा पूरा। सर माय नेम इज अमान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर गंगो, फ्रॉम गंगो। गंगो से? काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स हैं गंगो में, आपने इसको सेलेक्ट क्यों किया? सर बेसिकली फर्स्ट रीज़न सर ये है, यहाँ का टीचर स्टाफ सर, मैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है सर। आपका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं? सर आई बिकम अ मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ पे तो पानी में रहना पड़ता है, सांप होते हैं, मच्छी होती है बड़ी बड़ी। सर सेलिंग करना बहुत ज़रूरी है सर। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सर हमारा बेस्ट फ्यूचर हो सके अपने मम्मी पापा के लिए, टीचर के लिए, अपने लिए। मेरे पहले तो बेसिक्स के ऊपर दबा के काम करा गया। पहले आप ऐसे बोलते थे इधर आ जा उधर आ जा, मतलब लोकल लोकल सर, सेम सेम बिल्कुल ये। जी जी जी। तो अब आपको लगता है कि चेंजिंग है, कितना चेंजिंग है? अब बैठा हूँ सर यहाँ पे, ये हार्ट बीट बाहर निकल जाती है सर, बोलन जाता है एक, अब यहाँ पे हूँ ठीक भैया। बहुत बड़ा हाथ है तो ये है सर। सक्सेस तो मिलती है सर जब मेहनत करते हैं, तो सक्सेस तो बिल्कुल मिलती है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। एक बच्चे का बर्थडे होता है सर, हर बच्चे का बर्थडे बनाया जाएगा यहाँ पे, हर बच्चे का। ये फैमिली है आपकी एक? यस सर। फैमिली की तरह रहते हैं सर? मैम सर पूरे दिन मोटिवेशन ही करते रहते हैं बस, पढ़ाते वक्त मोटिवेशन, बच्चों पढ़ लो, 10th एक ही बार होती है जिंदगी में, दूसरी बार होगी नहीं। फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्लास कौन सी है आपकी? 7th। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। सर उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए और ताकि वो अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो जाएं और अच्छे से वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें और अच्छे से जॉब करें और अच्छी पोस्ट पे हों। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गंगो। अच्छा गंगो। गंगो आपके पिताजी का क्या नाम है? डॉक्टर साबिर अली। आपका गोल क्या है? IAS ऑफिसर। IAS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। करते हैं आप? मैं गांव सलारपुरा। सलारपुरा से गंगो की कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर कैसे आना होता है आप? मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। अच्छा कौन सी क्लास है आप? मेरी क्लास 9th है। 9th क्लास। वोल नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है? वोल नंबर के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, प्राइम नंबर के बस 2 ही फैक्टर होते हैं। माई नेम इज़ मोहम्मद साद सादिक। वट इज़ योर फादर नेम? माई फादर नेम मोहम्मद सादिक। बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से यहाँ पर आए और बच्चों से आपने इंटरेक्शन किया। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे बड़ी बड़ी संस्था ओपन होती हैं, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी अकेडमी, तो काफ़ी पब्लिसिटी करते हैं वो लोग, बड़े बड़े पोस्टर होल्डर, और हमने देखा है आपके गंगो में आपका कोई पोस्टर नहीं, कोई होल्डिंग नहीं, और फिर भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो इसमें कारण क्या है? कारण सिर्फ वही है कि जहाँ पर क्वालिटी बच्चों को मिल रही है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक बच्चा आया,
एक बच्चे ने अपने घर में बताया कि यहाँ भी पढ़ाई की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, तो वो जो फैमिली है अपने फैमिली में बताएगी, तो उससे जो है हमें वहाँ पे बेनिफिट ये मिला कि हमारा जो फोकस है वो आज की चीज़ों को ना करके, जैसे कुछ स्कूल ऐसे जो कैंपस के ऊपर फोकस करते हैं, अच्छी बात है करना चाहिए, हमारा मेनली फोकस है बच्चे के बेसिक्स के ऊपर काम करना। हमारा पहला टारगेट यही रहता है, हमारा जो पहला गोल है वो ये है, बच्चे के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके बेसिक्स के ऊपर फोकस करना। और शायद इतने सारे बच्चे इसलिए ही जुड़े हैं क्योंकि उनको क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने इतने बार इंपॉर्टेंट समय में से हमारे लिए समय निकाला। सर एक्चुअली देखिए, हम लोग बड़े बड़े शहरों में तो बहुत अकेडमीज़ आपने सुनी होंगी, हर जगह पे अकेडमीज़ हैं। गंगो में आने का सबसे बड़ा रीज़न हमारे लिए ये रहा कि ये एक कस्बा है, और अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है नेशनल बेस पर ये एक ऐसा कस्बा है जहाँ आस पास बहुत सारे गाँव हैं, और गाँव के अंदर ही सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है खुशबू वाली वो गाँव में पाई जाती है, और सबसे अच्छा जो कहते हैं ना बच्चों का माइंड सेटअप वो भी गाँव में। जो वीडियो को देख रहे हैं महिलाएं स्टूडेंट्स सभी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो एक जो उसका गोल है उसके गोल तक पहुँचाने में पूरी मदद करती है ये संस्था। हम आपसे अंत में ये कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके।